नमस्कार, मैं हूं बिंदु चावला और आप देख रहे हैं वेदांग ज्योतिष का एक नया वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं किन सेलिब्रिटीज की जिंदगी पर शनि का प्रभाव रहा, और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर आभा शर्मा जी। चलिए स्वागत करते हैं आभा जी का। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आभा जी, आज हम किन सेलिब्रिटीज की बारे में बात करने वाले हैं? जी, आज मैं दो कुंडलियां लाई हूँ, एक है इंदिरा गांधी जी की और एक है मोरारजी देसाई जी की। दोनों ही हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और दोनों की कुंडलियों में शनि की 7.5 ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। पहले मैं लगाती हूँ मोरारजी देसाई जी की कुंडली। मोरारजी देसाई जी का जन्म 29 फरवरी 1896 दोपहर को 1:27 भादली बिहार में हुआ था। इनकी कुंडली में मिथुन लगन है और धनु नवांश है, और चंद्रमा बैठे हैं सिंह राशि में। इनकी कुंडली में एक विशेष बात यह है कि शनि इनकी कुंडली में उच्च के होके त्रिकोण भाव में पंचम स्थान में बैठे हैं, और यहाँ से है इनके सप्तम भाव को देख रहे हैं। जब शनि उच्च के होते हैं तो शनि अपना शुभ प्रभाव देते हैं, और इसीलिए इनके जीवन में जब 3 साड़ेताती आई, तीनों ही बार इन्होंने बहुत ही अधिक प्रमोशन और ग्रोथ इनके जीवन में हुआ। पहली 7.5 जब इनके जीवन में आई तो यह सरकारी अफसर बने, दूसरी 7.5 में यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और तीसरी 7.5 में ये हमारे देश के 4 के प्रधानमंत्री बने। तो ये तीनों ही 7.5 इनके जीवन में विशेष शुभ फल देके गई, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में उच्च के हैं और वह एक शुभ घर में बैठे हैं। शनि इनकी कुंडली में भाग्येश भी हैं, और शनि इनकी कुंडली में नवांश में भी सप्तम भाव में दिग्बली होके बैठे हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, और यहाँ यह पंचम भाव में लगन कुंडली में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो इनकी कुंडली में शनि का तो बहुत ही अहम रोल है, और शनि क्योंकि उच्च के हैं इसीलिए इनको एक अच्छी आयु भी मिली। 99 की अवधि में ही इनका स्वर्गवास हुआ। तो ये कह सकते हैं कि शनि की 7.5 ने मोरारजी देसाई जी को बहुत कुछ दिया। आभा जी, आपने बताया कि मोरारजी देसाई जी की जिंदगी में 3 साड़ेसाती की दशा रही। लोग तो एक ही 7.5 की दशा से परेशान हो जाते हैं, और उनकी दशा 7.5 की जो थी 3 आई, और उसमें भी कुछ दे कर गई, ऐसा कैसे? जी देखिए, 7.5 तो शनि का गोचर है। शनि 30 में एक चक्र पूरा करते हैं, तो हर 30 में एक बार शनि की 7.5 आएगी, क्योंकि मोरारजी देसाई जी की उम्र 99 रही, तो इसीलिए उनके जीवन में 3 साड़ेसाती आई। जनरली व्यक्ति के जीवन में 2 ही 7.5 आती है, लेकिन जिनकी आयु अच्छी होती है उनके जीवन में 3 भी आ सकती है। अब मोरारजी देसाई जी के जीवन में जब दूसरी बार 7.5 आई, तब वह महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। उस समय इनकी 7.5 जा रही थी, यानी कि तीसरा खंड चल रहा था 7.5 का। इनका चंद्रमा सिंह राशि का है, और उस समय जब ये चीफ मिनिस्टर बने तब कन्या राशि में चंद्रमा तब शनि का गोचर कन्या राशि में चल रहा था। इसके साथ ही जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तब शनि की 7.5 शुरू ही हुई थी, तीसरी 7.5 इनके जीवन में शुरू हुई, और इनको वह प्रधानमंत्री बना के गई। वह इसलिए हुआ क्योंकि शनि इनकी कुंडली में भाग्येश है, नवम भाव के स्वामी हैं, और उच्च के होके इनके 11वें घर को देख रहे हैं। तो 11वां घर आपको अचीवमेंट अवार्ड्स रिकॉग्निशन दिलाता है, और पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, वहां से जब शनि उच्च के होकर देखते हैं तो एक ऊंचा पद और अच्छा सम्मान दिलाते हैं। इसीलिए इसकी 7.5 में इनको हमेशा फायदा हुआ। आभा जी, अब हम किस शख्सियत की बात करने वाले हैं? जी, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कुंडली लेना चाहूँगी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो कि एक मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 रात्रि 11:11 इलाहाबाद में हुआ था, और इनकी कुंडली है कर्क लगन और मीन नवांशी। चंद्रमा इनका मकर राशि में बैठा है। इनकी कुंडली की विशेष बात यह है कि शनि इनके लगन में बैठा है, लगन से यह अष्टमेश होके सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है। इसीलिए विवाह के घर का स्वामी होके अष्टमेश होके जब ये सप्तम को देखता है तो विवाह में थोड़ा बाधा डालता है। इनकी कुंडली में 7.5 का बहुत प्रमुख रोल है, क्योंकि पहली 7.5 में इनकी माता की डेथ हो गई, और दूसरी 7.5 में इनके पति और पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। इनकी दूसरी 7.5 में ही यह कैबिनेट मिनिस्टर बनी, और इसके कारण इन्हें एक बहुत अच्छा जो पद मिला उसके कारण इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो ये कह सकते हैं कि 7.5 आपके जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स ले आती है कि वह आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बिजी कर देती है। तो 7.5 का तो एक मुख्य रोल है इंदिरा गांधी जी के जीवन में। कहते हैं शनि ग्रह जब आते हैं, जब 7.5 लगती है या फिर ढैया लगती है,
तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं तो उनको दिया, ऐसा कैसे? जी देखिए, साढ़े साथी का मतलब है कि शनि का गोचर चंद्रमा के पास हो रहा है, तो चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का, आपके विचारों का। तो शनि का गोचर जब चंद्रमा के करीब होता है तो वह इंसान को थोड़ा सीरियस बनाता है, वह उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई डिसीजन लेने के लिए बाध्य करता है, उसे डिसिप्लिन लाइफ देता है। इसलिए शनि की साढ़े साथी इंसान को ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब इनकी कुंडलियों में मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की कुंडली में, क्योंकि शनि अच्छे बैठे थे और अच्छे राजयोग थे इनकी कुंडली में, इसीलिए उन्हें यह उच्च पद प्राप्त हुए। मोरारजी देसाई जी की कुंडली में तो शनि बहुत उच्च के होके शुभ स्थान पर बैठे थे, इसीलिए उन्हें तीनों साढ़े साथी में फ़ायदा हुआ। इंदिरा गांधी की कुंडली में ये क्योंकि अष्टमेश होके बैठे हैं, इसीलिए दूसरी साढ़े साथी में इन्हें अपने पति और पिता दोनों का दुख झेलना पड़ा, उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उन्हें पदवी दिया क्योंकि इनकी कुंडली में तीन प्रमुख राजयोग हैं और इसी कारण यह प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि की महादशा जो 19 साल की महादशा होती है, उसी दशा में इंदिरा गांधी सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन के उभरी, और 1970 से 1989 तक यह दशा चली। शनि की दशा में ही उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन वो एक योग है कि उनका जिस तरह से उनका देहांत हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उसी दशा में उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल प्राइम मिनिस्टर की भूमिका निभाई, और यह सक्षम तभी हो पाया क्योंकि शनि उनके लगन में बैठा है और लगन से वह 10वें घर को, उनके कार्य क्षेत्र को देख रहा है। आप आज इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इमरजेंसी लगाने की, तो क्या ये भी शनि का प्रभाव था? जी देखिए, इंदिरा गांधी जी के जीवन में शनि की महादशा चल रही थी जब इमरजेंसी लागू हुई, और उस समय शनि की महादशा में शुक्र चल रहा था और उससे पहले केतु का अंतर था, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में अष्टमेश है। अष्टमेश की जब भी दशा आती है तो इंसान कुछ ऐसे डिसीजन लेता है कि वह उसकी ज़िंदगी उथल पुथल कर देता है, और कई बार उसे असामान्य व्यवहार भी झेलना पड़ता है अपने ऑपोजिशन से या और दूसरे लोगों से, और यह इनके साथ हुआ क्योंकि इमरजेंसी के वक्त शनि का प्रमुख रोल आया, शनि की दशा थी। लेकिन क्योंकि शनि आपको स्ट्रांग बनाते हैं, तो उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को धीरे धीरे करके हराया, और शनि की दशा में ही वह फिर से एक सशक्त प्रधानमंत्री बन के उभरी, और वापसी उन्होंने करी, और 1980 से 1984 तक वह फिर से प्राइम मिनिस्टर रही। शनि की दशा में ही उनका निधन हुआ, जो उनका असैसिनेशन हुआ वो भी शनि की दशा में ही हुआ। खैर, वह तो योग है, लेकिन शनि क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाता है, इसलिए कह सकते हैं कि शनि की दशा में हर इंसान, जब शनि की अगर दशा आती है तो वह एक दंडाधिकारी के रूप में कार्य करता है, और वह बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिफरेंट बिहेवियर भी हो जाता है, और कई बार ऐसे डिसीजन, स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है जो शायद वह दूसरी की दशा में नहीं लेता। आबा जी, अब हम अपने स्पेशल सेगमेंट की बात करते हैं, तो स्पेशल सेगमेंट में आज हम किसकी बात करें और किसका सवाल लेने वाले हैं? जी, हमारे पास बहुत सारी ईमेल आती हैं, और आज मैंने ज्योत्सना जी की ईमेल ली है। इनका जन्म 26 जून 1975 सुबह 6 बजे दिल्ली में हुआ है, और इन्होंने पूछा है कि इन्हें पिछले 1.5 साल से कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, तो क्या रीजन है? तो देखिए, इनकी कुंडली में बृहस्पति में केतु की दशा चल रही है, और शनि और सूर्य इनके लगन में बैठे हैं मिथुन राशि में, मीन नवांश है, और चंद्रमा इनके बैठे हैं अष्टम भाव में। इस समय शनि की साढ़े साथी चल रही है, धनु राशि में शनि चल रहे हैं, और अभी कम से कम 6.25 साल साढ़े साथी के बचे हैं, तो साढ़े साथी के होने के कारण और चंद्रमा क्योंकि अष्टम के हैं, इसलिए प्रॉब्लम आना बिल्कुल ही जरूरी दिखता है कुंडली में। लेकिन इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति की क्योंकि महादशा है और बृहस्पति इनके स्ट्रांग होकर 10वें घर में बैठे हैं, तो अगर ये गुरु की शरण में जाए या किसी गुरु मंत्र का जाप करे प्रतिदिन, तो इन्हें काफी हद तक इस समय में प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और साथ ही क्योंकि केतु का अंतर है, तो केतु थोड़ा सा डिटैचमेंट डिप्रेशन देता है, तो 12वें घर का केतु होने के कारण इनको इस समय अगर विष्णु संस्थान का पाठ करते हैं, क्योंकि केतु बुध के साथ बैठे हैं, तो तब भी इन्हें काफी सहायता रिलीफ मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगले साल इनकी अच्छी दशा लग रही है शुक्र की, बृहस्पति में शुक्र, और उसमें जून के बाद, जून 2019 के बाद इनका जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और तब तक इन्हें पेशेंस रखने की जरूरत है। जी, तो ज्योत्सना जी, आपको मेहनत करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, अगले साल तक आपकी सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी, तो कोशिशें करते रहिए काम करने की। और आभा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर आपसे बात होगी। धन्यवाद।